सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल स्टडी फॉर ड्रीम्स को, और स्टडी से रिलेटेड सबसे अच्छी वीडियो सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं उपदेश चौधरी और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर ड्रीम्स। तो आज हम बात करने वाले हैं एसएससी जीडी कांस्टेबल की आंसर की के बारे में। जी हाँ, आप सभी को पता होगा कि अभी हाल ही में एसएससी के द्वारा एसएससी सीपीओ की आंसर की जारी कर दी गई है, यानी दिल्ली पुलिस और सीआईएसएफ और पैरामिलिट्री फोर्सेस में जो सब इंस्पेक्टर की जो पोस्ट होती है और असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की पोस्ट होती है उसके लिए जो आंसर की जारी होनी थी वो आंसर की जारी कर दी गई है। तो चलिए सबसे पहले हम उसके बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पे मैं आप सभी को बता दूं कि आंसर की उसकी जारी कर दी गई है। हालांकि अगर बात करें एसएससी जीडी कांस्टेबल की, तो एसएससी जीडी कांस्टेबल की एसएससी सीपीओ से पहले जारी करनी थी आंसर की, बट इन्होंने पहले एसएससी सीपीओ की यहाँ पर आंसर की पहले जारी कर दी है। बात कर रहे थे कि 24-25 तारीख को हो सकता है कि लास्ट वीक तक इसकी आंसर की जारी कर दी जाएगी एसएससी जीडी की, लेकिन यहाँ पर एसएससी सीपीओ की आंसर की तो देखने के लिए मिल गई है, लेकिन अभी तक एसएससी जीडी की आंसर की नहीं आई है और सीपीओ की जारी कर दी गई है। तो अब बात यही आती है कब तक हमारी आंसर की जारी कर दी जाएगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अपलोडिंग ऑफ टेंटेटिव आंसर की, तो यहाँ पे 24 तारीख को इसे अपलोड किया गया था। और यहाँ पे बात करें तो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स वगैरह की, तो यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है कि कब से कब तक आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो, कितने रुपए आपके देने पड़ेंगे, लिंक वगैरह यहाँ पे दी गई है। अब देखिए बात कर लेते हैं एसएससी जीडी कांस्टेबल की आंसर की कब तक जारी कर दी जाएगी। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है 31 मई को रिजल्ट जारी हो रहा है, नंबर ऑफ कैंडिडेट बहुत ज़्यादा हैं, तो यहाँ पे ऑब्जेक्शंस भी बहुत ज़्यादा आने वाले, तो इसलिए हो सकता है कि यहाँ पे जितना टाइम दिया गया उससे ज़्यादा टाइम वहाँ पे दिया जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 24 से लेकर 27 तारीख तक का टाइम दिया गया है, लेकिन वहाँ पे टाइम आपको ज़्यादा दिया जाएगा। उसका रीजन ये भी है क्योंकि नंबर ऑफ कैंडिडेट के ऊपर डिपेंड करता है सारी चीज़ें। जब 31 मई को आपका रिजल्ट जारी होना है तो आई एम श्योर कि हो सकता है एक दो दिन या दो चार दिन में आपकी आंसर की जारी कर दी जाएगी, यानी मई के स्टार्टिंग तक ही आपकी आंसर की डेफिनेटली जारी कर दी जाएगी, क्योंकि 31 मई को आपका रिजल्ट जारी होना है, इतना डेफिनेटली श्योर है कि 31 मई को आपका रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। लेकिन भाई बहुत लंबा खींच रहे हैं जो भी है TCS वाले, बहुत लंबा हो गया है कि अभी तक ये जारी नहीं की गई है SSCGD की आंसर की। लेकिन यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि आप तैयार रहिएगा और इसके लिए ऑब्जेक्शन रेज करने के लिए जो भी आपके ऑब्जेक्शन हो रेज जरूर करें, और डेफिनेटली बहुत जल्दी आपकी आंसर की जारी कर दी जाएगी, उम्मीद यही है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पे आप देख सकते हैं द कमीशन हैज़ कंडक्टेड द सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस CAPF एंड असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर इन CSF एग्जामिनेशन 2018 फ्रॉम 12/3/2019 इन द कंप्यूटर बेस्ड मोड। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 12/3/2019 से स्टार्ट हुआ था और 16/3/2019 यानी 5 दिन में पूरा ख़त्म हो गया था। वहीं पे बात करें एसएससी जीडी कांस्टेबल की, तो पूरे 1 महीने चला था, आप सभी को पता है। तो इसी से आइडिया लग सकता है कि कितने नंबर ऑफ कैंडिडेट जा रहे हैं, तो पूरा रिजल्ट तैयार करने में और आंसर की भी तैयार करने में थोड़ा वक्त लग सकता है, इसी की वजह से ये सब कुछ डिले हो रहा है। तो दोस्तों फिलहाल के लिए इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद जय भारत।